रूस एक बार फिर कई शहरों पर दागी मिसाइलें। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी मिसाइल अटैक की तस्वीरें आई सामने। ओडेसा पर 7 मिसाइलों से किया गया हमला। यूक्रेन की फौज सिर्फ 1 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाई। रूस ने निकोपोल शहर में 40 मिसाइलें दागी। एक और बड़ी खबर, रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के हथियार डिपो पर किया हमला। यूएस और यूरोप के दिए हथियारों को बनाया निशाना। रूस ने ओडिशा के बेलकोई इलाके में दागी मिसाइलें। ओडिशा पर कब्जे की तैयारी में है रूस की सेना। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लिथुआनिया के दिए ड्रोन से रूसी टैंक्स पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन आर्टिलरी यूनिट को रूसी टैंक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। ड्रोन स्ट्राइक में रूस के 18 कॉम्बैट व्हीकल्स बर्बाद, ये यूक्रेन ने कहा है। इस सब के बीच डोनेस्क के क्रामातोरस्क पर रूस का एक और हमला। फाइटर प्लेन से शहर के बीचों बीच दागी मिसाइलें। मेयर का दावा, रिहायशी इमारत को टारगेट करके हमला किया गया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। इस सब के बीच ब्रिटिश पीएम की रेस में टॉप पर बने हुए हैं ऋषि सुनक। तीसरे राउंड की वोटिंग में 118 वोट लेकर सबसे आगे रहे। पेनी मोडॉन्ट को 92 और लिज ट्रस को 86 वोट। 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार नए पीएम की लेंगे शपथ, लेकिन इसके बाद 2 तक होगा फैसला और आज भी है वोटिंग।